तस्वीरों में जो महिला दिख रही है उसने राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। उसने कहा है कि वह जय श्री राम बोलकर आत्मदाह कर लेगी। मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बरोखड़ खुर्द के ग्राम पंचायत गोयरा मुगली का है, जहां महिला प्रधान फीमा और फहीम ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। महिला प्रधान ने पत्र लिखकर 22 जनवरी को परिवार समेत इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। दरअसल महिला प्रधान का आरोप है कि हारा हुआ प्रत्याशी उनके पति के खिलाफ पुलिस से मिलकर झूठे मुकदमे दर्ज कराता है। इसी साजिश के चलते उनका भाई भी जेल में बंद है। वह खुद को मुख्तार अंसारी का करीबी भी बताता है। चुनाव में हार की खुन्नस उतारने के लिए अकीद ने उसके पति समेत पूरे परिवार का जीना मुश्किल कर दिया है। महिला प्रधान की माने तो मटौ थाने के दरोगा आशीष यादव से साठ गांठ कर वह फर्जी मुकदमे दर्ज कराता है। अदालत में एक भी गवाह न होने की वजह से वे सारे मुकदमे ढेर हो जाते हैं और पुलिस को फटकार मिलती है। इसके बाद भी वह आजीज नहीं आ रहा है। पुलिस से मिलकर आए दिन झूठे मुकदमे दर्ज कराता है। वह अपने आप को पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी बताकर धमकी देता है। इतना ही नहीं, बंदूक टांग कर पूरे गांव में घूमता है, विकास कार्यों में अड़ंगा लगाता है। इसी की साजिश से जालौन के थाना कदौरा पुलिस ने किसी अपराधी के बयान पर मेरे भाई को मुलजिम बना दिया। वह आज भी उरई की जेल में बंद सजा काट रहा है। वही महिला प्रधान ने सरकार से इच्छा मृत्यु की भी गुहार लगाई है। महिला प्रधान ने कहा कि अगर सरकार कार्रवाई करने में बेबस है तो आगामी 22 जनवरी 2024 को मुझे परिवार समेत इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान कर दें, ताकि हम जिल्लत भरी जिंदगी से निजात पाने के लिए जय श्री राम बोलते हुए आत्मदाह कर लें। वही महिला प्रधान का पत्र अब सुर्खियों में है। खैर, देखते हैं मामले में यूपी सरकार क्या कार्रवाई करती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।